राम राम जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और ये रात को जो मैंने दूध जमाया था वो बन गया, दही जम गया उसका। और मैंने आज बच्चों के लिए बनाना शेक बनाऊंगी, तो चिया सीड्स मैंने रात को भिगो दिए थे। इनके कुछ बीज होते हैं तो इनको ऐसे पानी में भिगो देते हैं ना, तो ये जेल जैसा बन जाता है और ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और बर्तन मैंने पोंछ कर रख दिए हैं और अब मैं कर लूँगी अपनी झाड़ू। और मुझे आज चादर चेंज करनी थी, तो मैं इन सब की जो चादर पिलो कवर वगैरह ये मैं हटा लूँगी सेटी के, और साथ के साथ में डस्टिंग भी करती चलूँगी। देखिए फ्रेंड्स कितनी धूल होती है ना मेरे यहाँ पे। और आप बोलोगे डेली एक ही बात बोलती है। और ये मैंने एक ब्लाउज सिला था कल, ये एक प्रिंसेस कट ब्लाउज सिला है मैंने। और इसके अभी मैंने जो हुकाई होते हैं ना वो नहीं किए, वो मैं जब तीन चार इकट्ठे हो जाते हैं ना तब मैं एक साथ ही करती हूँ। तो अभी मैं दो तीन, एक दो मैंने पहले भी सील रखे हैं, तो एक साथ करूँगी उन सब के। और इन सबको मैं डस्टिंग कर करके साइड में रख दूँगी और मैं कर लूँगी झाड़ू। और झाड़ू करके फिर मैं बाहर की झाड़ू करने गई, तब तक सांप भी आ गए थे। तो मैंने बोला मैं झाड़ू करती हूँ बाहर की, तब तक आप ये थोड़ी हरी मिर्च वगैरह ना, ये थोड़ी लाल भी होने लग गई थी, और ये जो बैंगन थे वो भी थोड़े बड़े साइज में हो गए। तो मैंने कहा आप सब ये काट लो और मैं कर लेती हूँ बाहर की झाड़ू, फिर बनाएंगी चाय। तो ये सब अपनी कटिंग वटिंग करने लग गए थे। ये ना गोल वाली मिर्च है, इन्हें शायद बैल पेपर बोलते हैं, आप बताना फ्रेंड्स क्या बोलते हैं, मुझे तो मालूम नहीं है पर बच्चे बोल रहे थे। और ये अपनी सिंपल नॉर्मल होती है ना जो मिर्च, वो वाली है, पर ये तीखी बहुत है। और जो आपको इस साइड में दिख रहा है ना प्लांट्स, ये पत्थर चट्टा का है, ये मेरा काफ़ी बड़ा हो रखा है। तो आज हम ये सब मिर्च वगैरह काट लूँगी। और मैं इनका काफ़ी सारी हो गई थी ये, तो मैं इनकी है ना अचार बनाऊँगी, तो वो मैं भी आपके साथ शेयर करूँगी। और अब मेरी झाड़ू कंप्लीट हो गई है। और ये अपराजिता की बेल, जो डिटॉक्स वाटर मैंने शेयर किया था ना, इनके फूल में रख लेती हूँ। और अब मेरी हो गई थी चाय रेडी, और अब हम पी लेंगे चाय और साथ में वही थोड़ी बातें कर लेंगे। और आज मैं बनाऊंगी लंच में पत्ता गोभी और आलू की सब्ज़ी। और मेरा लंच भी रेडी हो गया था, बच्चे उठ के आए तब तक। और फिर मैंने उनके लिए बनाया वो बनाना शेक, चीकू और बनाना मैंने मिक्स करके बनाया था। और ये वही चिया सीड्स है, ये मैं मिक्स करके इसमें दे दूंगी बच्चों को। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसा रेडी हुआ है। तो बच्चों ने पिया बनाना शेक और उसको एंजॉय किया। और कन भी बता रही थी कि अच्छा बना है, तो वो इशारे कर रही थी मेरी तरफ। और लंच में मैंने वही पत्ता गोभी की सब्जी बना ली, रोटियां बन गई, और मेरी लस्सी भी मैंने बना ली है और बनाकर मैं फ्रिज में रख दूँगी। और अब मेरा झाड़ू पोछा भी हो गया, सारा काम मेरा हो गया है। और मैं दो तीन दिन में गैस है ना धो लेती हूँ, और इस जहाँ तक मेरा हाथ पहुँचता है, तो मैं टाइल्स तो मैं डेली ही धो लेती हूँ, और मटका भी मैं डेली बाहर से धो लेती हूँ, अंदर से मैं दो तीन दिन में धो लेती हूँ। और मैं आपको अब एक कर्टन DIY दिखाती हूँ जो मैंने बनाया है। ये मेरे ऊपर एक 8x8 का रूम है, इसमें मैंने एक कर्टन लगाए थे दिवाली पर, मैंने ख़रीद लिए थे पहले ही, ऑफ़र में मिल रहे थे इसलिए, और अब ये पड़ गए छोटे। तो मैं इनका एक DIY करूँगी, तो चलिए फ्रेंड मैं दिखाती हूँ मैं इनको कैसे करती हूँ। और ये मैंने पर्दे हटा लिए हैं, तो अब ये ऐसे स्लाइडिंग दिखती है बाहर से। और ये मेरे चार पर्दे थे ऐसे ऑरेंज कलर के, तो मैं तीन पर्दे साइड में कर दूँगी और एक पर्दे का मैं तीन हिस्से कर लूँगी बराबर। और ये दो पर्दे भी हैं मेरे पास बड़े वाले, और ये एक सेम मेरा विंडो का है, ये मैं जब फ्लैट में रहती थी ना तब की है मेरे पास, ये जो प्रिंट वाले हैं ये। तो इसके जो इनके मैं तीन हिस्से कर लूँगी ऑरेंज वाले के, और ग्रीन वाले के मैं विंडो वालों के कर लूँगी दो हिस्से। तो चलिए फ्रेंड्स अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। और ये DIY आपको कैसा लगा मुझे बताना आप। ये मैंने तीन हिस्से कर लिए हैं और ये सब हटा लिए हैं मैंने, और विंडो वाले के मैंने कर लिए हैं दो हिस्से। तो चलिए फ्रेंड्स अब करते हैं इनकी सिलाई। सीधे को सीधी साइड में रखकर,
और अब हम एक सीधी सीधी सिलाई करके इनको ज्वाइंट कर लेंगे बस। और जितनी हमको लंबाई चाहिए उतना हम नीचे से मोड़ लेंगे, मतलब सबकी बराबर लंबाई में लेके इनको हम मोड़ लेंगे, तो सब कर्टन्स की एक जैसी लंबाई आ जाएगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ज्वाइंट करके ऐसे कर लिया है। और ये आपको कैसा लगा ये जुगाड़ मुझे बताइए। और यहाँ पे सुबह बहुत ज़्यादा धूप आ जाती है तो ये रूम गर्म हो जाता है, और मेरे मंदिर में भी फिर थोड़ा गर्मी गर्मी सा हो जाता है ना, तो कैसा